जयमसी की आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता हूँ, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम वचन से देखते हैं दूसरा राजा उसका 8 अध्याय और उसका 6 पद। लगातार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आइए हम 6 पद से देखते हैं। 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब गेहजी बहुत सी बातें राजा को बता रहा था, तब राजा को उसने सेटिस्फाई किया और वो स्त्री वहां पर पहुंच गई। जो 5वें पद में हमने देखा है, वो जिस मुर्दे को परमेश्वर के दास एलिशा ने जिंदा किया था, वो बेटा भी वहां पहुंच गया और उसने उस प्रूफ के साथ उस बेटे को और उस स्त्री को वहां पर दिखाया और उसने दोहाई दी अपनी जमीन और अपने घर को लेकर। और राजा अब इस अध्याय में हम देखते हैं 8 अध्याय के 6 पद में वहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रियो जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उसे सब कह दिया। अब सब कह दिया क्या था इसमें सब कहने में, कि उसने अपने पहले गेहजी ने सारी स्टोरी सुनाई कि परमेश्वर के भक्त ने कौन कौन से बड़े बड़े काम किए, कौन कौन से चमत्कार हुए। जब ये सारी स्टोरी सुनाई तब अब इस स्त्री ने भी सारी स्टोरी सुनाई है, सारी कहानी को सुनाया है, जो जो परमेश्वर के भक्त एलिशा के द्वारा इस स्त्री की जिंदगी में हुआ, इसके बेटे की जिंदगी में हुआ, इसके पति की जिंदगी में हुआ, इसके घर में हुआ, इस देश में हुआ, 7 साल फिलिस्तीन में हुआ रहकर परमेश्वर के भक्त के द्वारा हुआ, यहां से जब यहां से गई तब का वो हाल जो हुआ और जब ये वापस आई है तब क्या हुआ उसका सारा हाल और उन चमत्कारों के बारे में इस स्त्री ने परमेश्वर के दास गेहजी के सामने या उस राजा को जो इज़राइल का राजा है उसको सब कुछ कह सुना दिया या उसे सुना दिया है, बता दिया। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें लिखा उसने सब कुछ कह दिया। जब कह दिया तो राजा ने विश्वास किया और राजा ने इस प्रकार से आगे बताया है कि तब राजा ने एक हकीम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया था तब से इसके खेत की जितनी भी आमदनी अब तक हुई है सब इसे फेर दे। मेरे प्रियो राजा ने जब ये चमत्कारों के बारे में सुना, राजा ने जब इस बेटे को देखा, राजा ने जब इस स्त्री को देखा और स्त्री ने भी राजा को सारी कहानी बताई जो गेहजी सुना रहा था, गेहजी के सुनाने पर और ज्यादा जब ये स्त्री पहुंच गई वहां पर तो और ज्यादा प्रूफ के साथ इस राजा को ये बातें मिली है। तब राजा ने भी अपने इस बात पर विश्वास करते हुए कि अरे ये तो बहुत गलत बात है कि किसी ने इसकी घर पर कब्जा किया है, किसी ने इसकी जमीन पर कब्जा किया है, तो राजा ने भी इस पर कृपा की, अनुग्रह किया और इसके लिए वो कार्य को किया। कहते कि किसी हकीम को इसके साथ कर दिया और उसी को इस प्रकार से कहा जो कुछ इसका था इस देश के अंदर जब से इसने छोड़ा था। अब आप सोचना कि 7 साल इसने फिलिस्तीन देश के अंदर बिताए थे परमेश्वर के भक्त एलिशा के कहने के द्वारा और ये चली गई थी छोड़कर, वहां पर भी इसने ऐश की जिंदगी जी प्रभु में रहते हुए क्योंकि इसकी सेवा ग्रहण की गई थी और वापस लौटने पर भी राजा के द्वारा इसकी जब तक 7 साल की भूमि का अन्न जल इसे वापस लौटा दिया गया, इसका घर परिवार सब इसे वापस मिल गया क्योंकि राजा इस पर भी मेहरबान हो गया, राजा ने इस पर कृपा की, अनुग्रह किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन नीति वचन 4 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो कि जब तू परमेश्वर का डर मानता है, भय मानता है, परमेश्वर की कृपा अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह भी तेरे ऊपर बना रहेगा। मनुष्य का अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर होगा। क्यों होगा? जब तू परमेश्वर का आदर करेगा। इस बेटे ने और इस परिवार घराने ने परमेश्वर का और परमेश्वर के जनों का आदर किया था, परमेश्वर के लोगों को इन्होंने इज्जत मान सम्मान दिया था और राजा को सारी कहानी बताने के बाद राजा ने इसका सब कुछ वापस लौटा दिया। और क्या क्या लुटाया है? इस देश को जब से इसने छोड़ा था, 7 साल पहले इस स्त्री ने इस देश को छोड़ दिया था और 7 साल के बीच के जो दरमियान था, जो समय था, उसका जो खेती बाड़ी हुई है, जो खेतों में अन्न जल उपजा है, जो उसको अपने देश से नहीं मिला है और दूसरे देश में लिया, वो तो इसका अपना ही था, पर इस देश के अंदर जिसने ले लिया है इसका, इसके खेत का जोता बोया जो भी किया है, राजा ने इस पर ऐसी कृपा की है कि इसका 7 साल का जो भी इकट्ठा हुआ है आमदनी के साथ इसे वापस लौटा दो।
ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रिय प्रभु में रहने वाले लोगों, प्रभु के साथ जिंदगी जीने वाले लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रभु आपके जहां पर आपका छूट गया है, रह गया है, जहां से आपको मिला नहीं है, वहां से भी प्रभु आपको फिर से लौटा देगा, वहां से फिर से आपको परमेश्वर देगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के बेटा बेटी, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसलिए आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, पर आप गाइडलाइन में चलना है, आप आज्ञा को मानना है, आपको परमेश्वर के साथ रहना है, तभी, वरना नहीं होगा। आपकी जिंदगी में चमत्कार होने चाहिए, आप परमेश्वर का आदर करने वाले व्यक्ति होने चाहिए, बेटा बेटी होने चाहिए कि आपने परमेश्वर का आदर किया और आपको परमेश्वर भूला नहीं है। राजा बीमार है, राजा जानकारी ले रहा है एलिशा की, एलिशा के प्रूफ जो परमेश्वर ने किए गेहजी के द्वारा बताए जा रहे हैं, और प्रूफ तुरंत वहां पर चले जाते हैं, कहता कि वो चीजें वहां पर प्रकट होती हैं, स्त्री और ये बेटा। और जब इसकी कहानी और मजबूत होती है, गेहजी की जो गेहजी कहानी बता रहा है, और ज्यादा उसमें मजबूती और एक विश्वास दृढ़ता आती है, वो इस स्त्री और बेटे के द्वारा आती है, क्योंकि ये वहां पर उस समय पहुंच गए थे। और जब राजा गेहजी को सुन रहा था और इस स्त्री को भी उसने सुना, उस बेटे को भी सुना, और जब बेटे को सुना, स्त्री को सुना, गेहजी को सुना, तो परमेश्वर के भगत की जानकारी और ज्यादा इसके लिए दृढ़ और मजबूत हो गई कि परमेश्वर का भगत सचमुच में परमेश्वर का भगत है और परमेश्वर परमेश्वर है। और यह जानकारी आशीष का कारण बन गई है। और जब ये प्रूफ को उसने देखा, बेटा और माता को देखा, तब कहते कि यहां पर और मौके पर ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी कि राजा हलीम था और राजा और जानकारी ले रहा था, और जानकारी के साथ साथ ये स्त्री वहां पर पहुंची है, और स्त्री का जो उसने खोया था सब इसको वापस मिल गया है, क्योंकि समय कुछ ऐसा था, राजा सुनने के मूड में था, राजा करने के मूड में था, राजा चंगाई पाने के मूड में था, राजा एलिशा के बारे में जानने के मूड में था, राजा उन प्रूफ को देखना चाहता था, राजा के सामने वो प्रूफ आ गए, ये लड़का आया और उसकी माता आई, और ये भी इस बात के नीडी थे, ये भी इस बात की जरूरतमंद थे कि मेरी जमीन, मेरी भूमि मुझे वापस लौटा दी जाए, मेरा घर मुझे वापस लौटाया जाए। और राजा ने एक भी मिनट देरी नहीं की, तनिक भर भी उसने सोचने का समय नहीं लिया कि क्यों, आप क्यों छोड़कर गए थे, उसने कोई सवाल नहीं किया, उसने जरा सा ये भी नहीं कहा कि 7 साल आप बाहर रहे, अब आपकी भूमि वापस मिल जाएगी, पर अन्न जल जो इसमें होगा वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा राजा ने नहीं कहा। बल्कि राजा ने यह कहा, प्रियो, कि जो आमदनी अब तक हुई है 7 साल के दौरान, वो इसे वापस फेर दी जाए, क्योंकि मैं इस स्त्री के अंदर और इसके बेटे की जो जीवन को मैं देख रहा हूं, जो परमेश्वर ने इस बेटे को दिया है, और जिस स्त्री के विश्वास को देख रहा हूं जिसने परमेश्वर के भगत का आदर किया है, मैं इस गेहजी को देख रहा हूं जो परमेश्वर के भगत के साथ रहा है। प्रियो, आपका बिताया गया समय परमेश्वर के साथ कल आशीष लेकर आएगा, आपका बिताया गया प्रार्थना में समय वो जरूर आशीष लेकर आएगा, आपकी की गई सेवाएं जरूर आशीष लेकर आएगी। प्रियो, मैं आपसे आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस स्त्री की तरह, इस स्त्री की सेवा के द्वारा जो भूमि छीन ली गई थी लोगों के द्वारा, जिस किसी और ने इसकी खेती में खेती की थी, वो खेती का सारी आमदनी, चाहे वो लाखों में हो, चाहे वो हजारों में हो, वो इसे वापस फेर दी गई है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर को आदर करने वाली स्त्री थी, क्योंकि परमेश्वर ने इसके द्वारा इसके जीवन में चमत्कार किया था, मरवा बेटे को जिंदा किया था, बांझ को बेटा दिया था, इसने एलिशा की सेवा की थी, इस कारण से परमेश्वर ने इसे उसकी भूमि, इसका घर वापस लौटा दिया राजा के द्वारा। और राजा भी बड़ा हलीम तरीके से परमेश्वर के चमत्कारों की सुनने की ताक में था, धुन में था, और वो सुन रहा था गेहजी के द्वारा, और गेहजी जब सुना रहा था तो यहां पर पहुंच गए और उसने प्रूफ भी दिखा दिया। तो आपकी सेवा आपका प्रतिफल वापस लेकर आएगी, जो आपने सेवा की परमेश्वर के द्वारा, वो चीजें आपकी जिंदगी में लौट आएंगी। प्रियो, इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिता, मैं आपसे कह रहा हूं, आप भरोसा करें सच्चे परमेश्वर पर, जिसकी आप सेवा करते हैं, जिसके जीवन को आप मानते हैं, जिसके जिस
के परमेश्वर के पुत्र ने आपके लिए अब जीवन दिया है, उसके ऊपर आपने विश्वास किया, आपने बपतिस्मा लिया है, आप चर्च जाते हैं, आप विश्वास करते हैं, इसलिए कभी भी उसे छोटा ना समझे। वो आपकी भूमि की उस सारी उपज को वापस दिलाने के लिए तैयार है आज भी। वो आप जो भी आपने खो दिया है परमेश्वर आपको फिर से वापस दिलाएगा, आपका घर भी, आपकी जमीन भी, आपका परिवार भी, जो आपसे छूट गए हैं, जो आपसे दूर चले गए हैं, परमेश्वर फिर से आपको दिलाना चाहता है। आप विश्वास करें, ये 10 मिनट आपकी जिंदगी में आशीष लेकर आए। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नए वचन के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।